कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 8th सेमेस्टर। उससे पहले जल्दी सी बात कर लेता हूं 6th सेमेस्टर की। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जा चुके हैं, उसमें से कुछ सब्जेक्ट के क्यूए कंप्लीट है, बाकी जो 3-4 सब्जेक्ट है उनके 1 या 2 यूनिट बाकी है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, सर्च कीजिए 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट और उसके वीडियोस देखना शुरू कीजिए। और बाकी जो सब्जेक्ट थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट रह गए हैं 6th सेमेस्टर के, उसके लेक्चर हम अपलोड करना शुरू करेंगे। 6th सेमेस्टर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनल सेमेस्टर की, 8th सेमेस्टर की, विदाई वाले सेमेस्टर की। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने हैं, 9 ऑप्शन है, कोई 2 इलेक्टिव चूज करना है। तो आपके कमेंट्स खूब सारे आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने फार्मको विजिलेंस कहा है, बहुत से लोगों ने मार्केटिंग भी कहा है, कुछ ने कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा कहा है, लड़कियों ने खास तौर पे कहा है कॉस्मेटिक फार्मेसी के लिए। तो डिसाइड करेंगे अभी इसमें से कौन से 2 लेक्चर हमको, 2 से सब्जेक्ट उठाने हैं। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि हमारा टोटल जो 8th सेमेस्टर है यानी फाइनल सेमेस्टर है ये कैसा होने वाला है, कैसे इसकी पढ़ाई होने वाली है। टोटली आपका फाइनल सेमेस्टर 650 नंबर का होगा। ध्यान दीजिएगा आपके इस सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल विजिट है। देखिए पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी, हम लोग जाते थे 30 दिन की ट्रेनिंग करते थे 45 दिन की, अब उसे विजिट में कन्वर्ट कर दिया है। आपको करना क्या, किसी भी आसपास की इंडस्ट्री में या तो कॉलेज वाले आपको ले जाते हैं या तो आप खुद से जाते हैं, घूम टहल के आते हैं। आपने वहां पे क्या देखा, क्या प्रोडक्शन, क्या चीजें देखी, उस पर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक पूरा फाइल बनाते हैं कि उस फैक्ट्री में गए, इंट्रोडक्शन पार्ट में फैक्ट्री का बैकग्राउंड हिस्ट्री वाला, कैसी फैक्ट्री है, क्या बनाती है, कब एस्टेब्लिश हुई, फिर उस पर कौन कौन से प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट में कौन कौन से उनके लेबल, फोटोग्राफ्स, उनके ब्रांड, उनके फार्मूला, उनकी उनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन कैसा है, उनके यहाँ टेस्टिंग कैसी होती है, सारा वर्किंग मैनुअल उस कंपनी पे एक प्रोजेक्ट बना के आपको बना के रखना होगा। और वो प्रोजेक्ट आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है, वो 100 नंबर का आपको वो प्रोजेक्ट होगा आखिरी में। तो एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो कुल आपके 6 सब्जेक्ट माने जाएंगे इसमें, जिसमें से आपको पेपर सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट के देने, 4 सब्जेक्ट के। एक पहला सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये थ्योरेटिकल भी है और मैथमेटिक्स भी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ग्राफ प्लॉट करना है, ये लोगों को टफ लगता है लेकिन है बहुत इजी। कोशिश करूंगा मैं कि इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा के खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी साथ है आपका, उसके बाद फिर आप हमको छोड़ के चले जाएंगे, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें इस आखिरी सेमेस्टर के बाद से। दूसरा है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, ये सब्जेक्ट मैं लगभग पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी सेम सब्जेक्ट एंड सेम सिलेबस, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस में इस साल से ऐड हुआ। डिप्लोमा में पहले सोशल फार्मेसी नहीं था, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में इस साल से सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी ऐड हुआ है और सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है। तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रहा हूं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां पर क्लिक करके इनके वीडियोस आपको टॉपिक वाइज, इनके वीडियोस टॉपिक वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज नहीं मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज ये सारे वीडियोज आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा तो इसलिए आपको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, अब बताया मैंने इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो ये इसके पेपर 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के, और 2 इलेक्टिव जो है वो 100 मार्क्स, 2 इलेक्टिव चूज करने हैं। हो गया कुल 4 सब्जेक्ट, बस इतना ही है, बाकी आपका 150 नंबर का प्रोजेक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपके जो कोई कॉलेज में टीचर अलॉट होंगे जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इलेक्टिव वाला, वही टीचर आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, उसी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में या उसी टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि हम लोग एम फार्मा में करते हैं पूरे एक साल, उसका छोटा रूप है इस सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट में इसे मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च पे आप टॉपिक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने लिया हुआ है इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उसमें प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं वैक्सीनेशन पे, कोरोना वैक्सीन पे, कोरोना के जो नए वेरियस म्यूटेंट आ रहे हैं, नया टॉपिक है, इस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आपके कॉलेज के टीचर गाइड करेंगे कैसे बनाना है प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट होगा वो 150 नंबर का होगा, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी 3 कॉपी, एक कॉपी कॉलेज के पास सबमिट होगी, एक कॉपी आपका यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक एग्जामिनर आएगा बाहर से, वो आपका वाइवा लेगा और आपको प्रोजेक्ट पे 150 में से नंबर देके जाएगा। तो वो इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है, इसमें सिर्फ एक वाइवा होना है जो कि एक्सटर्नल वाइवा होगा।
और लास्ट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आपने किया उसका प्रोजेक्ट बनाना है वो 100 नंबर का है, यानी कुल 650 नंबर के 650 मार्क्स के आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर है। तो इसमें हमें पढ़ाना क्या है, हम पढ़ाएंगे बायोस्टैटिक्स, हम पढ़ाएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के 2 टॉपिक, और ये ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं तो ये आप प्लेलिस्ट पे जाकर के इसको देख करके इसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, और फिलहाल भी मैं 6-7 दिन घर पे ही हूँ, और क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है वो 2 दिन पहले कोविड RT-PCR पॉजिटिव आई है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं फिलहाल क्वारंटाइन हूँ, आइसोलेट हूँ, एक बंद कमरे में हूँ, तो कोशिश करूंगा, मुझे कहीं जाना नहीं है काम पे, मैं कोशिश करूंगा उसी एनर्जी के साथ आपकी क्लासेस लेता रहूं और सिलेबस जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप मुझे दुआएं दीजिए मैं ठीक रहूं, फिलहाल अभी मैं ठीक हूं, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इलेक्टिव 2 सब्जेक्ट कौन से हैं जल्दी रिवील करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।